नहीं अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। आखिरी दिनों में मैंने एयरपोर्ट ट्रायल के
रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिटेक्टिव के कॉन्टैक्ट पे ट्राई करने का। लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और मेरे गुरु बन गए। मतलब हैरिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि आपको क्राइम बना दे। रात सुनो, राउंड ब्रेड शुरू करो। बस हो गया? इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी होंगे? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। ठीक है, बात पहली बार कोई नया ऑटो बॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक। तुम कहाँ पर थे? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे पास कितने डॉक्टर थे? तो क्या यही है वो जीत जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या कभी इनकी तरह ही है? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीटू के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? अब भी मुझ पर भरोसा नहीं था, पर एक शक्ति हो। उस वक्त लड़ाई आयकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था और मुझे इस बात की खुशी थी, क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया।